जी तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एंड मैं जा रहा हूँ अभी यूरिया छिड़कने के लिए। सैंपल दिखाऊँ, मैं अभी सरसों के अंदर हूँ। बड़ी ये सरसों बड़ी हो गई है, एकदम सरसों बड़ी हो गई है। अभी के बज रहे हैं 10, लाइट आने वाली है अभी, जल्दी करना पड़ेगा मेरे को। अभी आती यही लाइन चलेगी। और मैं अभी जा रहा हूँ यूरिया छिड़कने के लिए। कल रात को हमने घेरी नहीं थी, इसमें अब घेरेंगे। जैसे ये चलेगी, मिश्रण है इसके अंदर, दवाइयाँ होती है, इसलिए मैं फुल सेफ्टी रखता हूँ। हाथों में भी सेफ्टी होनी चाहिए इन चीज़ों के लिए, इनमें जो दवाइयाँ हैं उनसे एलर्जी वगैरह होती है, त्वचा की प्रॉब्लम रहती है, इसलिए मैं ये रखता हूँ। एंड आप भी अगर कोई भी अगर मेरा वीडियो देख रहा है तो उससे यही कहना चाहूँगा, अगर ऐसी चीज़ें घेर रहा है, अगर वो बंदा ये चीज़ें घेर रहा है, जो भी आदमी है, उसको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि सेफ्टी फुल रखें, हाथों में ग्लव्स रखें। ये प्लास्टिक के रबड़ वाले ग्लव्स हैं हाथों में, इसके अंदर कपड़े की जाली लगी हुई है, समस्या नहीं है। और ये घेरे जरूर, सर पे मास्क रखें, मास्क ज़रूर रखना। मेरे पास मास्क है अंदर है, मैं मास्क पहनता हूँ, ऊपर टोपी लगा के, फिर ये दवाई मिश्रण होता है ये मैं डालता हूँ। निवेदन करूँगा कि ये चीज़ें ऐसे ही ना गिरे, तो ये क्योंकि बहुत जहर है, इससे अपनी स्किन ख़राब हो सकती है, चेहरे की जो स्किन होती है ये ख़राब हो सकती है। और भी कई चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखें। तो ये लाइन आ गई है, तो मैं अभी से इसको स्टार्ट करूँगा डालना, इसलिए फ़ोन मैं हाथ में नहीं रख सकता, और कभी मौका पड़ेगा तो ज़रूर दिखाऊँगा। मैं एक बार ये डाल देता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आपसे। हाँ जी, तो गाइस हमने यूरिया छिड़क दिया है, और हम अभी यूरिया छिड़क के वो जांटी के पहाड़, वो जो पेड़ दिखाई दे रहा है हमारे यहाँ राजस्थान में, उसको जांटी कहा जाता है, उसके पास में लाइन अभी थी हमारी लगाई हुई, और उसमें मैं यूरिया छिड़क के आया हूँ। तो ये देखो ग्लव्स है, तो ये निकाल के मेरे को फ़ोन पकड़िए भी वीडियो बनाने में हेल्प हो रही है। और मेरे पास वो नहीं है, क्या कहते हैं यार उसको, गिम्बल, वो ऐसे फ़ोन को ऐसे होता है ना, ऐसे रखता, तो वो गैस नहीं है, उसकी वजह से फ़ोटो ऊपर वाली थोड़ी ऐसे कम आ रही है, फ़ोन ऊपर नहीं हो रहा। तो दोस्तों अभी अभी मैं जो छिड़क के आया हूँ, बताना चाहता हूँ यूरिया सुपर और जायम, ये तीनों मिश्रण थे जो मैं अभी छिड़क के आया हूँ। तीनों को मिला के मैं अभी छिड़क के आया हूँ। और उसके बाद जो उसकी हवा जैसी, इसके अंदर जो पतला पतला एकदम बुरादा सा है ना, वो भाई साहब नाक के अंदर जा रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है, आँखों में भी जा रहा है। तो इसलिए एक बात कहना चाहूँगा, सबसे बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये, आँखें खराब हो सकती है, चेहरे में दिक्कत हो सकती है, नाक में, हाथों में, त्वचा का ख्याल रखे। जो भी बंदा, जो भी इंसान ये चीज़ कर रहा है, अपने खेतों में डाल रहा है, वहाँ डाल, उसको मेरा यही एक संदेश है, ये चीज़ ज़रूर रखें, ध्यान में रखें। ग्लव्स रखता हूँ मैं, मुझे पता है मेरे पास गॉगल्स भी, चश्मा भी है, और मास्क भी है, मैंने टोपी भी लगा रखी थी कोट वाली, फुल सेफ्टी के साथ डालना ये चीज़ें, ये ना बहुत घातक हो सकता है। एक और चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ आप सभी से, किसी भी भाई को अगर किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो एक नंबर बता रहा हूँ, उस पर कॉल करना, गवर्नमेंट नंबर है, नंबर यहाँ लिखा हुआ भी आ जाएगा, 1800 180 55 50। ये जो नंबर है ये सरकारी गवर्नमेंट नंबर है, कृषि नंबर है। खेती के बारे में आप कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई भी जानकारी ले सकते हैं। और एक नंबर और है 1800 180 65 50 करके एक नंबर और है, दोनों स्क्रीन पे लिखे आएंगे, आप ज़रूर देखना वो नंबर, और ज़रूर अपनी चीज़ों की सेफ्टी रखें, उनसे पूछें क्या डालें क्या नहीं हर चीज़ के बारे में। तो गाइस मैं यही कहना चाहता हूँ, जो भी चीज़ करें, जो भी काम करें अच्छे से करें, और इस चीज़ के अंदर जैसे कोई भी मिश्रण या कोई दवाई अगर डाल रहे हो अगर आप, तो उन चीज़ों को सेफ्टी फुल रखें,
वरना दिक्कत हो सकती है। आज के लिए मैं अभी लाइट आएगी फिर मैं फिर से आऊँगा, फिर से दिखाऊँगा। ब्लॉग मेरा पूरा नहीं हो रहा, दो दिन हो गए ब्लॉग डाल नहीं रहा मैं, टाइम नहीं मिल रहा यार मेरे को। इसकी मैं अभी लेके आया था, मैं आगे रख दिया। लिया और अच्छी लिया अठे सी लिया, ये 20 लेके आ रहा है, अठे सी मैं लिए जैसी समकोन ने समकोन किया। नहीं 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 वजन बहुत ज़्यादा है इनमें, बटे शिमेली आ गए। तो ये लाइन सेटिंग कर रहे हैं, लाइट अभी आई है 10 बजे, और गाइस कल रात को ना 10 बजे लाइट आई थी। मैं सोच रहा था ब्लॉग बना दे, पर कल रात 4 बजे तक की ड्यूटी थी, रात को 4 बजे तक जगा रहना पड़ा था। फिर दो घंटे 3 घंटे के लिए सोया, फिर 8 बजे उठा, फिर ये अब 10 बजे लाइट आ गई। अब फिर से लाइन लगा रहे हैं, एक तो लगा दी, एक लाइन तो सेटअप हो गई है, ये दूसरी कर रहे हैं, फिर इसके बाद एक और है वो भी करेंगे, एंड मिलते हैं लाइन लगाने के बाद।